मेरा नाम चंपा नानरा घोरे श्रेकर और मेरा विषय है जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है, इतिहासकार सावरकर। आज मुझे सावरकर के बारे में बोलने का, कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आज हम चलते हैं इतिहासकार सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, जन्म 28 मई 1883, मृत्यु 26 फरवरी 1966। स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर ना ही सेनानी थे अपितु महान क्रांतिकारी चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वे एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के विषय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिखा। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। सावरकर ने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए, आंदोलन तक चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व को शब्द में रचा। उसमें उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सावरकर कट्टर तर्कबुद्धिवादी थे। उन्होंने सभी धर्मी के रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो नाम जिसे अंग्रेजों हुकूमत ने बड़ी सजा दी, सजा काले पानी की थी, वो भी एक नहीं दो बार, यानी 50 वर्षों के लिए। पूरे इतिहास में किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इतनी लंबी सजा नहीं दी गई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर 1857 ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेजों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का डर समा गया था। अंग्रेज स्वतंत्रता संग्राम के डर से कांपने लगे थे। वीर सावरकर ने भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 में वंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा लगाया। सावरकर ने अपने विचारों के कारण अपनी बैरिस्टरी की डिग्री खोनी पड़ी। उन्होंने अपनी बैरिस्टरी की डिग्री वापस दे दी। सावरकर ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास तक लिखा गया। सावरकर ने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरेक की अहिंसा की आलोचना करते हुए केसरी में बौद्धों की अतिरेक की अहिंसा का शिरच्छेद नाम से श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे थे। वीर सावरकर ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भाप लिया था। 1962 में चीन द्वारा प्राप्त पर भारत पर आक्रमण करने के लिए लगभग 10 वर्ष पहले ही कह दिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो इन सभियों पर मैंने प्रकाश डाला है। मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ।